नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीड़ी पिला दे, 10 दिन हो गए, जी मचले, कैसी आवे, पिला दे पालाराम। बाबा, तू मरेगा मारे सिर के, सांस तक बची ना, बीड़ी पिला दे, ले। मिस्टर धीमान मुंडा होया है। पर वाइफ नू कुछ खुवाई दें दे, शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं है, सिर्फ 5 HP है, 2 ही नू चढ़ेगा। और जल्दी जाओ, डेंगू फैल रहा है, वैसे भी ब्लड की बहुत कमी है। ये सैंपल ले जाओ। अरे पकड़ ले, ब्लड ही तो है। दूसरे के खून की कीमत तब तक पता ना चलती जब तक किसी अपने में खून की कमी ना हो। Lottie,
राजेश मामू जी, मैं सूरज रेगुला। क्या हाल है बाबू जी, बड़े दिन बाद दिखे। इधर किस? ऐसे ही कोई नहीं आता इधर। कितने यूनिट चाहिए? दो। तो हमसे कह देते, नदियां पा देते आपके लिए। पुरानी रिश्तेदारी है अपनी। नहीं, वो बहुत ज्यादा। मर्जी है जी आपकी। वैसे मैं कल ही मिलकर आ रहा हूँ अपने शंकर बाबू जी से। आ गए ना वापस? आपने तो पता ही होगा। नहीं पता? 5 साल बीत गए राजेश बाबू जी, कहाँ हो आप? अच्छा वैसे कर क्या रहे हो आजकल? कुछ नहीं, आइसक्रीम फैक्ट्री डाली है छोटी सी। जबरदस्त भाई। बात करोगे शंकर बाबू जी से? मुझे शंकर ने एक बार कहा था कि हम इंसान 5.5 लीटर खून से भरे पुतले हैं जिन्हें 150-250 ग्राम का दिल ब्रश रखता है। ये कहानी उसी खूनी दिल की है। सुनो, ताऊ फूल सिंह से कहिएगा कि आदेश में नाम हो तो बता देगा। अच्छा अच्छा, पैसे दे दो। सांड हो गया, शर्म ना वे बापू से पैसे मांगते हुए। अरे अच्छी खासी सरकारी नौकरी लगवा रहा था। एक घर में दो दो चपरासी, शर्म ना आती सोच के भी पापा? अरे इसी चपरासी ने पाल पोस के बड़ा किया तू जैसे सांड को। धन्य हो गया पापा मैं। तू तो फिर भूल गया, चल नाम नहीं तो पीना राजेश है। ना पहला बाप का खून तो पी ले। मम्मी, एक चपरासी ब्याह करके कैसे लग गए? काम करो तो नहीं कम है। राम राम जी। राम राम, राम, राम। जी वो फूल सिंह जी से मिलना था। तो भाई मिल ले, बैठे हूँ सामने। जी मैं शक्ति धीमन का बेटा, राजेश धीमन। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बेटा तू तो पूरा ही आदमी हो गया है। और शक्ति के हाल है? मिलता ही कौन है? उनका तो बस ऐसा ही है। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ चाशा बीड़ी चीड़ी? ना जी, बस वो लिस्ट का। लिस्ट का? अच्छा, लैब डिप्लोमा वाली लिस्ट का। अच्छा अच्छा, तने भी अप्लाई किया है के? हैं? अच्छा बैठ बैठ है? मैं ही पे देख के आया लिस्ट। पाड़ा राम भाई, कुछ चाशा प्या दे हैं? ताऊ लागू मैं इसका। मैं भी आया। अरे बाबा, पाड़ा राम ला देखे तेरी, जा है। जय शनिदेव। जा सुबह सुबह मत आया कर बाबा। पाला राम, लागे टट्टी न हुई अब तक। भसम खाई तन्ने जो दी थी। के दिया था, तब होना रही थी और अब रुकना रही है। करम है इसके करम, तू लेगा भसम। मिची, ब्लड ग्रुप तो बता दे पाला राम। सरकारी फॉर्म भरना है यतीम खाने का। यतीम बाबा हूं ना। ए बी नेगेटिव, अब जा बाबा। ए बी नेगेटिव। इतना प्यारा बच्चा है, बाबा बनेगा बाबा। दबड़ लिया तू, टूटेगा मेरी हाथ तो लिखा है तेरा विनाश। रम फड़े उठा के फेंक सड़क बाहर।
शरी दे। भाई मैंने लिस्ट तो देख ली है, लिस्ट में तेरा नाम है भाई, एडमिशन हो गया तेरा। भाई साहब पता है लिस्ट कब तक लगेगी? कहाँ से हो? सहारनपुर। नंबर कितने? 75%। सहारनपुर चली जा, 95% मेरिट है। क्या भाई साहब, पीएमटी में भी बैठने के लिए 95% नहीं चाहिए? दिया है मैंने। पीएमटी जा। बड़े बदतमीज हो भाई साहब। बदतमीज को भाई नहीं बनाते। 75%। मींस? बाऊजी, बाऊजी, पुष्पेंद्र बाऊजी, हवा में प्रणाम बाऊजी, हवा में प्रणाम। बाऊजी, लिस्ट नीलम से मिल ले, दे देगी। पुरानी होगी बाऊजी, अंटिंग छोड़ दो। सही कह रहा हूँ, आजकल बहुत मिस फायर हो रहे हैं। असले असले नीलम मैडम का कमरा उधर, चल लूं मैं। अरे बाऊजी, ये नीलम मैडम के छोड़ भाई रास्ता। स्टॉप। एडमिनिस्ट्रेशन। भीतर आ जाओ मैडम जी। भीतर तो आ चुका है। ओह, मैंने सोची फिर भी पूछ ले। मना कर देती तो नहीं आता के? बता करो। काम के? जी वाह, डिप्लोमे की लिस्ट पूछनी थी मैडम जी। कि मैडम जी लगा रखा है? मेरा नाम नीलम है। बहुत सुथरा नाम है जी, कच्ची आप जैसा है। चल मक्खन मत लगा, बाहर पुष्पेंद्र बाबू जी के कान में केक खुसर पुसर कर रहा था, मैं सब बैठी देख रही थी। आप तो ही तारीफ करूंगा। झूठा। झूठ मैंने आज तक नहीं बोला नीलम जी, माँ की सुन। मेरा क्या फायदा है? आपका फायदा पुष्पेंद्र बाबूजी तक पहुंचा दिया। नाम क्या है तेरा? जी शंकर मलिक। मैं लिस्ट देख के बताती हूँ। ना जी ना, मैं आप पे पढ़ लूंगा। मेरे देखने से नाम मिट जाएगा तेरा? मन है ना जी, शर्म आवे जब कोई छोरी मारा के मेरा नाम पढ़ दे तो। आज तो कती काट होगी मैडम। थैंक यू क्यों नीलम जी। याद से कह दियो पुष्पेंद्र भाजी को, काम कर दिया था उनका। काम तो कती आपने मारा भी कर दिया। किसा ला गया मैं? चल बदमाश। अरे मैडम बताओ भी। फैंटास्टिक है। ओ भाई साहब, बदतमीज होने के साथ से झूठे भी हो। कहीं नहीं है 95% मेरिट, पता है क्या है मैंने? मैं भी तो तेरा भाई नहीं हूं, ये ना पता क्या? कुत्ता। पूरे 40 है मित्र, अब कौन जगह ना भाई।
मेरी किस्मत का है कि 101% तेरा नाम लिस्ट में होगा। आपकी किस्मत? अरे भाई कह दिया ना एडमिशन हो जाएगा। जाइब जा कुल्फी खा। अच्छा दौड़ी करो रे, एक घंटा बचा है लिस्ट लागण में। सुभाष, संजोग, योगेश हैं इसे भीड़ में घूम रहे अपने लाख रुपये। चलो नाम क्या अपना? राजीत धीमन। एडमिशन करवाऊं? लिस्ट देख रखी मैंने। पहला बताता मेरे यार, काम का इतनी दूर चल गया। जुगाड़ बहुत है तेरे, गणित लिस्ट में रहता है जरा लोरी के डायलॉग तो बहुत फिल्मी मारा है। बेरी घूमने चलेगा? क्यों क्यों सो दिन दे मतम जलन हो रही ना मुझे है? लिस्ट पता होना तो कुछ ना हो है। लिस्ट बांटना सीख, बांटने ते लव बढ़िया करे छोरे। ये तेरी या मेरी है? हैं अलेक्जेंडर अरे के दीदे पाड़ पाड़ देखे कदे नजर ना ला दिए। बैठ जा। अरे चाबी लोली दीदी पॉप समीर दरा चल तने देखा रे। Thank you.
दिन से पहले RX-100 पे बस सपनों में बैठा था। सुनते थे कि अगर छोरा सिर्फ बोल भी दे ना छोरी से कि उसके पास RX-100 है तो समझ लो फिर छोरी छोरी की। नहीं बाबूजी नाटक मत कर, रख ले। बाबूजी बंदा आ गया। अभी गया? हाँ। चल भाई एक जरूरी काम आ गया, तेरी घुमाई पूरी बाद में। ठीक भाई। रुक रिक्शा जाना है। शिव कॉलोनी भाई। और नामवाड़ी में बैठ जा। ठीक भाई। शिव कॉलोनी कितना लेगा? शंकर बाबूजी का हुकुम है, पैसा ना लूंगा बाबूजी। क्या डॉन बोने क्या ये? डॉन? नहीं देवता है। करते क्या है देवता? अभी तो अपने आप वो धीरे धीरे खुद ही बता देंगे। बैठिए ना, आइए। कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट छपरा, और हमारा नाम है हरनाम। यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहा है ना बाबूजी कि पेटवा का जो भूख है ना वह हमारा खींच के लाई है। डिप्लोमा की एडमिशन स्लिप देखकर मैं बहुत खुश था। दूसरी खुशी थी शंकर से मिलने की, RX-100 रखने वाला शंकर। कुछ तो बात थी उसमें। पहले दिन डॉक्टर सबरवाल ने पूरे डिप्लोमा का ओरिएंटेशन दिया। किस्मत से शंकर और मैं साथ में बैठे थे, और उससे भी अच्छी किस्मत से पूनम शर्मा भी मेरे पास बैठी थी। उसने लड़कों को भाई साहब कहना छोड़ दिया था। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 1 साल का था, और जैसे हमें डॉक्टर सबरवाल ने बताया था लैब में 7 डिपार्टमेंट थे, यूरिन, स्टूल, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड बैंक जो अस्पताल की नई बिल्डिंग में था। डॉक्टर सबरवाल ने यह भी बताया कि 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप रोटेशन पर हर डिपार्टमेंट में 1 हफ्ते की ड्यूटी करेगा। शंकर को अपने सूत्रों से पता चला कि मारी पहली ड्यूटी यूरिन में लगने वाली है। पूनम को तो जैसा सदमा लग गया। लेकिन अगर शंकर आपको दोस्त हो फिर क्या दिक्कत? यूरिन में मजा ना है, ब्लड चाहिए। दे दो ना। चल दिया। पूनम मेरे और शंकर के साथ घुल मिल गई थी। हम कैंटीन साथ में जाने लगे थे।
जो बदले में ब्लड दे रहा है उसकी एंट्री जाएगी डोनर रजिस्टर में, और जो ब्लड पेशेंट को हम दे रहे हैं। ओ हीरो इधर देख ले, उसकी एंट्री जाएगी इशू रजिस्टर में, मास्टर रजिस्टर ने हाथ नहीं लगाना, ये हमारा काम है। आओ 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 महाराज जी आओ। अरे नहीं बाबूजी नहीं, महाराज तो ब्लड बैंक का लैब असिस्टेंट है, हम तो भी सेनापति हैं। हैं के पट्टी पड़ा हुआ लड़का था ही ना, कुछ ना ऐसे ही ओरिएंटेशन दे रहा था, ब्लड बैंक भी घड़ी जिम्मेदारी का काम हो गया ना भाई। नहीं सो तो है बाबूजी, बालको एक थंब रूल है, जो ब्लड लेना आवे वो रिप्लेसमेंट भी लावे, रिप्लेसमेंट नहीं तो ब्लड नहीं, क्यों भाजी? हाँ हाँ चल रहा छत पे हैं? के चक्कर है एनिवर्सरी है यार, सविता जी ना तेरी, कई खाना बना के दो आज, संभाल ले रात को ब्लड बैंक, बस परमानेंट संभाल लो। मैं मिष्ठान भंडार खोल लूं बाबूजी, उस सकल तरह लागो तो हलवाई हो। चुप। जय शनि देव। बच्चा तेरा भाग्य बदलने वाला है। और बता। लेकिन एक समस्या है, तेरे वहां एक काला तिल है, जेब में जितने पैसे हैं बाबा को दे दे, तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। वो दिन भूल गया क्या बाबा? उस दिन भी बच्चा बच्चा करके हाथ फेरा था, कम से कम 2 साल बड़ा हूं तुझसे। ओए बाबा की शारीरिक उम्र पे मत आ, बाबा ने तप किया पहाड़ों में, बाबा 100 साल से जवान है। हंस मत बच्चा, हंस मत, तेरे जवानी पे सचमुच एक काले तिल का कब्जा है। कौन से तिल की बात हो रही? बच्ची तेरे दोस्त के वहां ना एक काला तिल है। बाबू और बता ना, और कहां का तिल है इसके? यार क्या क्या करिए जान के, शादी करनी के? मैं क्यों किसी ऐसे लड़के शादी करूं जिसके वहां पे काला तिल? जा जा तू जाना बाबा, तू जा। गुस्से को पालना सीख बच्चा। तुझे पालूंगे बाबा। वो तो समय बताएगा कौन किसको पालेगा। चल दस लूंगा। हेलो हाँ शंकर बोल, ब्लड बैंक की ड्यूटी अभी बदले में ब्लड कौन देगा? भाव जी मेरी तो नसबंदी हो रही है, शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, भाई टीवी से उठ के आया है, भाव जी अगर लुगाई को खून नहीं मिला तो मर जाएगी। कसम तेरा तो कनेक्शन कट रहा है, तेरे क्या जरूरत है लुगाई की जान दे। भाव जी लुगाई तो मेरी है। अच्छा 2 यूनिट AB पॉजिटिव रेयर ग्रुप। रिकॉर्ड 5,000। बाबू जी भाई कह तो लोग आई चुन ले कह पीछे। बाबू जी लेता हूं ताऊ, कमजोरी नसबंदी तो ना आवे दिमाग में आवे, ये देख फायदा किसका हुआ। भाई बदले में तुम ब्लड लिया नहीं? पिसाच। पिसाच? रात में लिख रहे हैं खून चूसा। भाई नरेश 2 पुतले लगेंगे। मेरे कुछ पल लेना पड़ा उस रात, बिना रिप्लेसमेंट पैसे लेकर 2 यूनिट ब्लड दे दिया गया। शंकर का थंब रूल शंकर ने तोड़ दिया।
अरे वो पिसाच पेड़ पे क्यों टंग रहा है? कुत्ते पाछे पड़ गए के? भौजी पड़े ना है, खड़े हैं पाछे, पुलिस वाले। अबे राम राम। राम राम। गए कुत्ते, नीचे न मर ले, पता है कमीशन खातर बैठा है। नमस्ते भौजी। सारे खून तो है ना तेरे में, दुमा दुमा है। देगा के ब्रूस ली पी कब थी बाबूजी? हो गए 5 दिन। परसों तो मेरे साथ पी थी कमीने। अब सब कुछ पल्ले पड़ रहा था। हरनाम और मेठुनिया पीड़ित थे, मतलब प्रोफेशनल डोनर्स। पाछी वे खून कब दिया था बाबूजी? 15 दिन हो गए। साड़ो मरने से पहले मेरा नाम मत लेना, दोनों बांधी का। ये नीडल है? नहीं बाबूजी, मच्छर काटा। कितने तो पाइपलाइन आ रही है तेरे द्वारा खून की, तो सारे मच्छर तेरे चपटे हैं। चला जाना स्टोर रूम में ब्लड बैंक वाले। जी बाबूजी। स्टार्ट कर। ब्लड बैग और आईवी किट समझ गया? अडोला पकड़ इसका, खींच के दबा। ब्लड बहुत है बुरुसली में। बैठ कर इसको। बाबू जी ये देखो, ऐसे मिलाने से ना ब्लड में गांठ नहीं बनता है, फिर मरीज को चढ़ाने में दिक्कत नहीं होता है। अरे वो ब्रूस ली अपनी दिक्कत सोच, 3 हीमोग्लोबिन है तेरा, पेशेंट में तो फिर भी 6-7 होगा। फिर देगा अरे कैसी इसी कर ले हमारे को ना हाथ चलाना बंद कर। मुझे पता है बहुत दिन से इस लाइन में बीमारी है। हाँ भाई। अरे वो कंपाउंडर उद बिना अवसर क्यों बैठा है? हाँ सांस के खून बढ़ा रहा है। क्या डोनर रजिस्टर में एंट्री मार का? ठीक भाई। अरे कौन सी एंट्री मारनी है तो पूछ ले। हाँ बताओ भाई। डोनर रजिस्टर में 2 फर्जी नाम चढ़ा दिए राज के यूनिट के ब्लड के बदले में, और आगे पुष्पेंद्र भाई साहब का नाम चढ़ाइए। अब फिर? फिर चढ़े लिया इनकी खातर खसम, इब्बे इब तरह खून चूसा इनका। भाई साहब मसाले वाले। अरे मरीज अला तरह इसका थैली ले कंधे बिठाए कान में मुंह तो ये राज बढ़ गया बाबूजी। नमक कम है। अरे वो मिट्ठू गए, तेरे खून में सोडियम कम है। अब सुन लो साड़ो, 3 महीने तक या दिखाई मत देना। बगलो। अरे बगलो रख ले। कल बर्थडे पूरम का। बढ़िया है ना, ले जा डेट पे RX 100 पे बिठा के।
हमने भी कराया बेटे। पागल है क्या तू? अपनी फोटो को देख के प्रणाम कर रही है? चुप रह, तू है पागल। सुना नहीं कहते बच्चों भगवान बसते? ये क्या तरीका हुआ? तुम इतने अचानक से घूमने क्यों जा रहे? बर्थडे ना तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे बहन। थैंक यू और मेरा गिफ्ट? मिलेगा मिलेगा। ओके ये क्या कर रही? बैठ रही हूँ। ऐसे बैठोगी? ऐसे तो बैठते हैं। नहीं वो मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे बिठाए नहीं ना पीछे। जाती है? हाँ वो भाई के पास आ रही थी, डेट थी, चौक चौक करता रहता था। आइए इधर। कैसे चढ़ूं? अरे मैं पीछे से उठाऊंगा और कैसे? देखो कोई बदतमीजी मत करना। चुपचाप चल। हाथ हटा वहां से। I love you.
ब्लड से लिखा है कार्ड पे। कहाँ काटा खुद को? वो छोड़। पास कान में कुछ कहना है? शिट। बड्डे की सादा मजा आ गया भाई, प्रपोज कर दिया। ओ बेटे कर दिया के बोली पूछना भूल गया भाई। अरे खसम असली बात तो पूछनी भूल ले गया। अब क्या करूं? पहले तो छोरी की तरह हो करना बंद कर, और अगली दफे मिले ना पूछ लियो साड़ी ते, समझ गया? आया भाई, भीतर खुला है। बाबू जी नमस्कार। ड्रैकुले न्यू आजा, जूते समेत आजा आजा। सूरज भाई, यो राजेश भाई, अपना क्लास फेलो है। राजेश भाई, यो सूरज भाई उर्फ ड्रैकुला है, सरकारी नौकर सरकारी अस्पताल का दिल्ली में। हाँ, और भाई क्या खबर है दिल्ली की? पाओ जी पूछो ही मती, कड़ा उत्पात मचा रखा है, सहमी हुई सी है दिल्ली। ड्रैकुले कदे तो बढ़िया खबर लिया है, अगर क्या हो गया? बाबू जी मंकी मैन 4 दिन में 20 हादसे। ओ बेटे क्यों है बता? कल आधी रात को अपने ऑल इंडिया के ब्लड बैंक में घुस गया मंकी मैन। चपरासी मूत रहा था और भाई साहब ने अकस्मात दर्शन दे दिए, अभी तक आईसीयू में। कौन? मंकी मैन? चपरासी बाबू जी। अच्छा। बच गया मंकी मैन जो तेरे हथे ना चढ़े लीच ना, तो वहीं ब्लड बैंक में गिर के 10 ब्लड बैग लागे सारा खून चूस देता उसका तू। क्या बाबू जी, क्या बाबू जी, ब्लड के मामले में तो अपने बाप ने नहीं छोड़े, वो तो मंकी मैन था, लीटर में खून है। चलिए छोड़ से सब। कितने लाया बाबू जी? 200। बेटे इतने तो पड्डी लूट लिया भाई, दिल्ली का ड्रैकुला। फ्रेश है कि? समझ लो बॉडी में है इतना फ्रेश। चल निकल। ये फ्रेश है? हैं? कसम खून की बाबूजी, कल रात का है।
बी पॉजिटिव का ओवरडोज कर रखा है, सब जगह मिल रहे हैं, कहीं रेड ग्रुप ही ले आकर खसम है। ले लो ना बाबू जी, आपका तो यूं ही निकल जाएगा। जरूर तो मैं आगे बेचता नहीं, पीता हूँ। हाँ बाबू जी, चलो जल्दी से अपने बैगों में ट्रांसफर कर लो ब्लड, अरुणा भी जाना है। और राजेश उस पेटी में तो बैग पकड़। और बाहर जा पी गया भाई, अपना मोबाइल भी दे दो ना। बड़े तो रख ले कसम, और इस तरह जवाब मांग लिया जरूर नीलम से। भाई पूनम, नीलम ने? हाँ वही, जवाब मांग दिया जरूर। हेलोस, कौन? मैं, राजेश। तो मैं ना पूछना भूल गया था। क्या तुम्हारा जवाब? मैं ना रात भर सो नहीं पाई। क्यों? आप भी ना बड़े पागल से हैं। तुम्हारे लिए थोड़ी मैं आल्सो। अच्छा तो ये बताओ, मुझ में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? योर हेयर्स, योर स्माइल्स एंड योर आई। अच्छा अच्छा बताओ मेरा क्या अच्छा लगता? इतना सोचना पड़ रहा है? जितना देखा है उसमें तुम्हारी गर्दन बड़ी अच्छी लगती है और तुम्हारी आंखें भी। ओनली बस? हाँ बाकी का तुमने दिखाया नहीं ना। शट अप। ले मिस नो राजेश, मैं रख रही हूँ फोन। बाय। मेरे सामने उस टाइम दीवार पर जैसे खून की एक फैक्ट्री चल रही थी। शंकर ने बताया था कि बाहर से आया ब्लड अपने ब्लड बैग में ट्रांसफर करना पड़ता है, जैसे चोरी पकड़े न जाए। फिर अपने ब्लड बैग पर फर्जी स्टिकर लगाकर उसे आगे बेचा जाता है। भाई मार्जिन तो बहुत हो गया इस काम में। भाई मुझे ये काम करना है। तेरे मुंह लग गया खून है, पर डिप्लोमा कैसे करेगा? और अटेंडेंस? जैसे तू कर रहा है भाई, बिना अटेंडेंस। वैसे भाई इस उम्र में डिप्लोमा की क्या जरूरत है, काम तो आता है तुझे। सरकारी ब्लड बैंक के खजाने में परमानेंट जॉब चाहिए, इस खातिर सरकारी डिप्लोमा चाहिए। लेकिन भाई मेरी भी अटेंडेंस लगवा देना। लग जाएगी अटेंडेंस, टेंशन ना ले। चल आज तेरा रिबन काटा। दो यूनिट ब्लड। इस एड्रेस पर दे आना और 8,000 मिलेंगे, ले आना। लग गए इस आरएक्स अंडर ने भी तेरे प्यार हो गया। अरे जा इनके तिलक करा के जागा।
लग रही थी तेरी पिछले आचार ले तेरा हिस्सा दारू दारू पीता है अरे विकास अपने अपने चीफ मिनिस्टर समझने लग गया तू हैं आजा आजा आ तू कहो था तू आके गाना सुनाओगा हैं आजा तेरा जुखाम ठीक करांगे भाई भाई तू कपड़े बड़ा सही पहनता है हैं वो है जो ऊपर ते बरसाया करें गरीबा में मरे हुए अंग्रेजों के कपड़े अपने चेले वास ठेका है दिल्ली में भाई तू मने पहले क्यों नहीं मिला हर चीज का टेम हुआ है तू पहला बालक था आज तने खून बेचा पहली बार दारू भी आज तने मोहब्बत हो गई है सुरे मर्द बन गया तू आज भाई अब गाइड करते रहो ये बच्चा नाम रोशन करेगा आपका एक दिन अरे डर है क्या भाई तेरी आस की तरह ले डूबेगी कैसे रासी पंजाबन है बचपन का प्यार इससे के चक्रा में पढ़ाई छोड़ी क्यों पीसा कमाना था और जब पीसा कमा लिया बलड दे तो कहने लगी इब्बी शादी ना करनी और पढ़ना डॉक्टर बनना बनो बस जख्म देगी दिल का जी करे तो मिल ले ना तो डॉक्टरी तो चल लेनी है प्यार ना होया सुसरा बल्ब हो गया ओम 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 भाई ये तो गलत हुआ भाई गलती तो बहुत हुई छुआ नहीं बस दूर ते प्यार करया ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है ना अपना उससे क्या होता है भाई ओ नेगेटिव ते सब लिया करे दिया कोई ना करे कसम फिर समझ में आया कि यह दुनिया प्यार ने समझती है नहीं बहुत समझा थोड़ा थोड़ा कुआं एक कबे खोदा जाए फिर पानी कुएं में कैद रहे कि तेरा जाता बस प्यास ही बुझती रहे
बोला ना मानो तो आइडिया है मेरे लाल। आइडिया भी तो बुरा उसका है। हाँ भाई ना भाई तू राशि भाभी पिकनिक पे हो आओ भाई। आइडिया तो कभी भी बुरा ना है। बाबूजी अब हमें प्रणाम बाबूजी। अच्छा मारी एक्टिंग करने लगा है? तो तसी क्या बाबूजी। तेरी खातर लाया सुख मां के छोरी दे गल तू अजमा के ना कर मर मगर तू खर्च करोड़ तेरे पे मगर तू खर्च करोड़ तेरे पे मगर तू खर्च करो श्याम में सीता न पाया राम में मेरे जैसा न पावे गम में जब बांधूंगा मोर मगर तू खर्च करोड़ तेरे पे मगर तू खर्च करोड़ तेरे पे मगर तू। उस रात नशे में शंकर ने डरते डरते राशि को फोन कर ही दिया। सब कुछ ब्यूटीफुल और ये स्मेल सब परफ्यूम तो मेरे पास भी नहीं कोई नया है नहीं रखने वाले थे ना मुझे शादी के बाद काफी खर्चा हुआ होगा ना पैसे इसीलिए बचा रहे थे फीलिंग नाइस ना आज मत जिप चाबी चाय माय फुट इंसान हो जानवर नहीं जानवरों की तरह रहना बंद करो शंकर क्या गंदगी छोड़ दो मैं कर लूंगी कह दिल की हाथ थाम कह सिल्की सिल्की हे बावली बूच कह दिल की हाथ थाम कह सिल्की सिल्की कह गए शानी सोच साची के सहज पके तो आवे स्वाद पकाया मंदे आँच पे बहुत पके तो हो बर्बाद खोल खोल गाँठ ईब मन की बोल बोल बात ईब मन की दो मन एक हो जायो रे दिल नहीं से ये गवान के धर ले कदम तू पहचान के रस्ते एक हो चकले तू प्यारे यार का दर्शन मिठा रे बांध के रख ले तू प्यारे बावली मुझ कह दिल की दिल्की हाथ थाम गए सिल्की सिल्की बावली मुझ कह दिल की हाथ थाम गए
जलेबी तो पड़ गई, इमरती मंगा ले। ओ लाटो, इमरती दे भाई साहब ने। सिगरेट पीवा? लेकिन आओ भाई। दिन ब दिन देखो गाना सियाना होता जा है। एफडी करा ले इसकी, ब्याह काम आओगे। अरे प्रहलाद, संकेत कहाँ है? इससे पूछ ले। बैठा कोई तो भाई को आवेगा, उठ जाएंगे। तो तू है शंकर का ना एडमिशन है? अरोड़ा तू ही गया तो खून देना। क्यों मारा एरिया हो? खून का एरिया नहीं होता, इसका खून उसका एरिया। सॉरी बोल राजेश सर, थोड़ी इज्जत दे विष्णु। अब गांठ बांध सर की बात, जिसका खून उसका एरिया। अरे प्रहलाद तेरी इमरती ना आई, तय आ रही है भाई, आ रही है इमरती। मैं शंकर तू विष्णु, पार्टनरशिप करेगा? कसम दे इंसान बना दूंगा। सर खड़े हो। भाई जब तू दुकान में पीट रहा था ना, तो ऐसे लगा महादेव की तीसरी आंख खुल गई क्रोध में। क्रोध ना तमन है, कटाई भी लाड में करूं। बेटा दब से गिर के कोई ना मरे, कुछ तो कांड है। कांड बता देना तो तुझे भी ले चलूं। अरे सच बोल रहा साहब, कसम से साहब, मैं आया ये बीड़ी पी रहा था साहब, दब से गिरा और मर गया साहब। तो राज डाल इसने भी जीप में, ऐसे ना बोलेगा ये। अरे नहीं फिक्र नहीं, रोक 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 बोला था ना बोल दे, फिर बनेगा तेरा बैटमैन।
मर गया। चुप कर। हर नाम ने कहा दब से गिर कर। मिठनिया ने बिना ब्रेक के फिर घूम दे दिया। देर नजर लग गई नजर बट्टू। चल होने अंडरग्राउंड। शंकर उस दिन तो तेरे डर से दोस्ती की पर आज दिल से हाथ बढ़ा रहा भाई। या करीने तेरे फ्रेंड वाली बात है भाई भाई मैं अरे प्रकाश तू तो मेरे काम का नहीं है। मेरा हाथ नहीं छाती मिला भाई रिश्ता बन गया। अरे खून का। चल भाई प्रकाश चलो चलो चल भाई चलो शंकर की बताना तो चाहिए था नहीं बताना चाहिए था हैं तो क्या पर अरे कम से कम बता तो देता कि मिथुनिया को तूने भी ब्लीड किया था। मुझे बच्चे की फीस जमा करानी थी मार दिया डबल ब्लीड। अब कितना लोड लेता बोल गया मिथुनिया। अरे बाबूजी आप भी कताई लालची हो गए। इंसान था भैंसा थोड़ी। अरे पूछा था भाई मैंने उससे कब दिया रे खून 15 दिन पहले मैंने हाथ पे निशान देखे नीडल के तब भी पूछा बोला मच्छर ने काटा बाबूजी। फिर तो मौत बड़े अरे मिथुनिया ने छोड़ा। परसों जिंद में ब्लड डोनेशन कैंप है और वो SP गजराज सिंह मिथुनिया के बाद गश्त पे गश्त लगा रहा है अस्पताल के बाहर। मैं खुद 5 दिन से छुट्टी पे हूँ। तो ये बता कैंप में डंडी मारनी है क्या फंस तो ना जाओगे? अरे खसम धंधे का असूल है जब तक फंसो नहीं तब तक कहो नहीं। वॉलंटियर तुम्हारे डिप्लोमा में तभी जाएंगे। हाँ 5 स्टूडेंट 4 लैब टेक्नीशियन। चलो तो फिर मिठुनिया ने श्रद्धांजलि कर लेते हैं। भाजी यूनिट कितने निकलेंगे कैंप से कम 25,000 यूनिट पूरे हरियाणा से कूदेंगे ब्लड बैंक खून लेने के लिए। काउंटिंग पे पूनम की ड्यूटी लानी पड़ेगी ना तो मारा हो जाएगा ठनठन गोपाल। अरे तू समझ ले कल तेरी मोहब्बत का पहला इम्तिहान है। क्या करना होगा भाई? 1,00,000 रुपए कमाओगा इतनी बताओ क्या करना होगा? सबर वाले को संभाल ले। डॉक्टर की टेंशन ना ले भारी लोन है उसपे कितना जाता। मैडम जी डिस्कार्डेड वाला है। हाय बेटा कर रही हूँ ब्रेक ले लो। एंट्री कौन देखेगा? शंकर भाई बैठ जाएगा? हाँ तू जा। मैंने इन दिनों बहुत मिस किया तुम्हें। झूठा नहीं सच। अच्छा तभी मेरे हैप्पी बर्थडे के बाद आज मिल रहे हो? कुछ जरूरी काम था। अब तुम बताओ तुमने मुझे मिस किया? देखो राजेश आई लाइक्स यू पर मुझे अभी और पढ़ना है। इन सब चीजों में फंस के ना पढ़ाई नहीं होती। दुनिया प्यार ने समझती है नहीं। मैं भी यही सोच रहा था
अभी उम्र नहीं मारी। नहीं मतलब मैं तुम्हें हर्ट्स नहीं करना चाहती। ट्राई टू अंडरस्टैंड्स ना प्लीज। तुमने ये इंग्लिश कहाँ से सीखी? रैपिड एक्स फ्रेंड्स ना। या तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वरना कुछ नहीं। क्या तरीका हुआ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सब समझ रहा हूँ। फीलिंग्स नहीं होती तुम्हें? कैसी फीलिंग्स? ऐसी। हाँ छोड़ो हटो वरना मैं चीख दूंगी। चीखो। मैं सच में चीख दूंगी। सॉरी लगी तुम्हें। बावड़ी है क्या? मिट्टी भर गई क्या? अरे प्रकाश बोल रहा है किस गाड़ी वाली पिट्टी ट्रक भर के चेक कर दे। कितने यूनिट हुए? गिने तो ना अंदाजन 250 50 मेरे है भाई इसमें। सबर करो सबरवाल का हिस्सा तेरे जिम्मे। ठीक है तो विष्णु ने तू संभाल ली है बाबूजी। बाहर मुहब्बत का तूफान ठंडा होने से पहले 70-80 यूनिट और खींचनी है। ये लो डिस्कार्ड। ले भाई डिस्कार्डेड है ये। डाल दे भाई। चलो शिट तू खून निकल रहा है। केगन फैला रखी है। चल बाहर निकल बेशरम कहीं की। भाग यहां से बेशरम कहीं की। ब्लैक कैंप चल रहा है ब्लू फिल्म नहीं। सॉरी दिखना मत। देखा क्या सुनना पड़ा? ये सब बदतमीजी मत क्या करो मेरे साथ। सिर्फ मैं कर रहा था क्या? उस्ताद तो तुम हो ना। ये सब करके छोड़ दोगे मुझे? छोड़ दूंगा तो पागल हो क्या पूनम? सच बोलो। सच कसम से आई लव यू। पापा को बताना पड़ेगा। पर तुम कुछ कमा भी तो नहीं रहे शादी कैसे करेंगे? शादी क्यों नहीं करोगे? अभी कर ले। आप भी ना बड़े बैट्स तुम्हारे लिए। किथ थी तेरी ड्यूटी थी ना यहाँ पर? सॉरी सर। डैड इधर आ गया यहाँ पर। सॉरी सर सॉरी सर। एंट्री देख अपनी। पूरे 350 यूनिट है। 350 प्रकाश के हाथ करामी भिजवा दिए। तो क्या है? काट लिया पूनम ने। चंगड़े हो रहे हैं दोनों पते हैं। सबरवाल जी कुछ तो कांड है ब्लड बैंक में। कांड? कैसा कांड? कोई कंप्लेंट आई है आपके पास? कंप्लेंट तो मर गए 10 दिन पहले मिठुनिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार खून ही नहीं था बॉडी में सिर्फ नीडल के निशान। उसका तो सबने मिलके गन्ना सा चूस लिया भाई। ये कौन है? ये अपने स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के। ब्लड डोनेशन कैंप था जींद में। ये वहीं से आ रहे हैं। बड़े उम्र दराज स्टूडेंट है आपके। सर जी पढ़ने की कोई उम्र ना होती पर बोलने की होती है बेटा। डॉक्टर साहब 4 कांस्टेबल तो लगा दिए मैंने अस्पताल के गेट पे।
सीआईडी ऑलरेडी सिविलियन में घूम रही है और यकीनन मिठुनिया का भूत भी। इब यदि कोई पकड़ा गया तो भारतीय संविधान की कसम उसका तो मैं चमगादड़ सा बना दूंगा। चमगादड़? बैटमैन थाने में बल्ले से उल्टा लटका के। ओके सर। सर जी कुछ भी पता चला तो मैं खुद आपको बता दूंगा। नाम क्या बड़ा? राजीव धीमन। बड़ा नेक लड़का है जी। वो तो मैं आप पता कर लूंगा। सॉरी भाई। बड़ी बहादुरी दिखा रहा था एसपी के सामने। किसी को दिखानी थी भाई, नशा को जाता उसे। अरे या करीना स्मृगर वाली बात भाई, मेरे लाख रुपए सामने पड़े, पहले बेक तो जान दे खसम। भाई टेंशन है, पूनम शादी तक पहुंच गई, घर में बिताने वाली, कुछ कमाया नहीं तो। तो पहले भी कही थी प्यार कर उससे, एडल्ट वाला, फिर पीछे होना हो कितना जावे गारंटी है। तुम्हारी मम्मी पापा आ तो नहीं जाएंगे घर वापस? बताया तो था, आने के पास गए, दो दिन बाद आएंगे। ओके पसंद है ना, बहुत हिट इंग्लिश फिल्म है। हिट नहीं, गंदी है। तो क्या हुआ, देखो ना कितनी प्यारी है। चलो सो जाते हैं। नहीं। अरे आओ ना, सुला देता हूँ। नहीं राजेश। प्यार कर उससे, एडल्ट वाला, हाँ शंकर। छोरे तेरी शादी हो जाएगी, पहला केस आ गया डेंगी का, अपना सीजन शुरू। कैसे कैसे? डेंगी में एक चीज की डिमांड आया करे, खून, और वो भी तना में। भाई मैंने सुना डेंगू बड़ा खतरनाक होता है। फसल है जो बोई भगवान ने है, और काटांगे हम। चल आ गा कटाई में। जैसे शंकर ने कहा था, डेंगू हमारे लिए दिवाली बनकर आया था। इस बीमारी की वजह से खून में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और फिर पेशेंट को फ्रेश ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक नहीं, दो नहीं, दस दस यूनिट की डिमांड आने लगी, और वो भी कई जगहों से। ब्लड डोनेशन कैंप से चुराए हुए ब्लड बैग पर डेट ना थी,
हमने उस पर डिमांड वाले दिन की डेट डालनी शुरू कर दी जिससे वो ब्लड फ्रेश हो गया। शंकर और मैंने एरिया बांट लिए थे, हर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन को हम कट दे रहे थे, इसलिए डिमांड सिर्फ हमारे पास आ रही थी। दस से पंद्रह अस्पताल मेरे जिम्मे में थे और तीस के करीब शंकर के। एसपी गजराज सिंह का डर हमें ना था क्योंकि सारा गेम करनाल के बाहर हो रहा था। जब डिमांड होट ब्लड की जगह प्लेटलेट्स की आंट लगी तो हमारा मार्जिन चार गुना पड़ गया। मुझे सच में लगने लगा कि भगवान ने डेंगू हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। पुलिस भी सदैव सेवा में तत्पर थी जैसे कि होती है किसी त्रासदी के समय। बस फर्क इतना था कि इस बार उन्हें अपनी सेवा के बदले उचित मेवा मिल रहा था, 500 रुपए और एक पार्ले जी बिस्कुट के रूप में। डेंगू सीजन खत्म होने तक शंकर ने कुछ नहीं तो 15 से 20 लाख जोड़ लिए थे। मेरे हिस्से में सिर्फ 4 लाख आए थे, पता नहीं क्यों मुझे लगा वो कम थे और मेरी मेहनत ज्यादा। मैं शंकर से कभी कह नहीं पाया और ना कभी उसने समझा। हाँ, so much। अभी तो शुरुआत है, बता दे घर पे। मुझे नहीं बताना घर पे, मुझे शंकर से कर लो शादी। क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता जब देखो तब उसी के साथ रहते हो। रहता तो उसी के साथ हूँ पर सपने तो तुम्हारे आते हैं ना। कैसे सपने? मम्मी पापा फिर जा रहे दो दिन के लिए। बे जाए ना जाए, शादी से पहले नहीं करेंगे। क्यों? डटी होता है प्यार तो ऐसा ही होता है ना। बातों वाला भी तो होता है। कमॉन पूनम, पहले अच्छे से सीख लो फिर बोलना इंग्लिश। तो दोगे ट्यूशन मुझे घर आके? हर चीज ना घर पे चाहिए तुम्हें। किसका फोन है? शंकर। लो आ गया मास्टर जी का फोन, अभी नहीं से ले लो ट्यूशन घर बुला के। विवाह तन्ने भी साथ छोड़ दिया, ससुरे फोन भी ना ढाता ही। क्या हो गया भाई? अरे और ड्रैकुले इतना खा के मरेगा? बारिश ने तो घुमा के लिया बार। अरे छोड़ छोड़ रोटी छोड़, चल 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 चौक खड़ा चल, बाद में ठीक कर तोड़ लिया। अरे बस चल क्या बर्तन में खाएगा, चल हाँ भाई क्या हो गया? गई। कौन? राशि।
आज फाइनल ब्रेकअप हो गया। कैसे? एसएमएस थे। क्या लिखा? मेरे माँ बाप तुमसे कभी खुश नहीं होंगे और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। होप यू अंडरस्टैंड। ये क्या करेगा भाई? अंडरस्टैंड। छोड़िए, देखो क्या ही करेंगे। गांव में एक पीर बाबा आया करता, क्या करता, प्यार में जो भी करो कम है। आज आई बात समझ में। एक काम आया मेरे तो लागे पड़े करेगा। कितने का भाई? अच्छा, तो ये भी पूछने लगा कितने का। हेलो राशि जी, मैं रोहतक पहुंच गया। बहुत प्यार करता है आपसे। मैं भी करती हूँ। दिक्कत क्या है? देखो राजेश, हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए पर हिंदुस्तान में शादी तो लोगों के बीच नहीं, तो परिवारों के बीच होती, जानते हो ना। अब भाग जाओ उसके साथ। तुम्हारी बहन होती तो उसको भी यही बोलते। सॉरी, बस एक बार मिल लो ना प्लीज। अगले दिन मैं शंकर का दिया काम करके लौट रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल दिन होगा। चाचा एक डबल फिल्टर ये लो। अरे जल्दी उतर यार, सोनी एक्सप्रेस से शंकर इंतजार कर रहा तेरी। चल हमारी भाई, सफदर जंग से 8 ब्लड बैग उठा लिए थे, निकल ही रहा था कि पब्लिक ने धर लिया। आराम मारा भाई। रेगुलर तेरा भी टाइम खराब चल रहा बेटा। चल बैठ।
गजराज ने उस रोड पे ड्रैकुला का बैटमैन सा बना दिया। बातों में कोई नहीं जीत सकता। I miss you. Always. कहन दे। जब इस तो कमरे तक लिखड़ेगी ना, तो तेरा ये always धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। तुमने कसम खाई आज मुझे दूध देने की? वो तो तेरे मम्मी पापा ने खाई है। उनकी कोई गलती नहीं है शंकर। तुम बताओ, कौन माँ-बाप जानते बूझते अपनी लड़की कहाँ थे? चोर के हाथ बांधेगा। तो फिर क्यों आई है इस खून चोर से मिलना? तुम्हारे दोस्त ने ना हाथ जोड़कर बुलाया था, राजेश। थैंक यू। तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप। जब मैं ना रोया तो तू क्यों रोया उसके आगे जाके? भाई मैंने तो अच्छे के लिए गया था। ड्रैकुला पकड़ा गया हाईवे पे। भाई साहब राम राम। बढ़िया हो भाई साहब। भाई साहब वो मेरा एक आदमी पकड़ा गया, सूरज नाम है, उसे तो ड्रैकुला कहते हैं। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब। राम राम राम। कहाँ गया? पीछे जी। हजार भाई बस इतने? किन्ने कत्ल आ गया था भाई? ये काम तो पूरा मैंने किया है। जितने देता था उतने दिए। दिमाग खराब मत कर, निकल। इस काम में बराबर कैसे था? प्यार ते मुकाव है ना,
सारे दे देता। ये दिया कॉलर पकड़न पे। हिस्सेदार जगह कम पड़े ना तो इतना भी जाए। तू तो वही है ना जो ब्लड बैंक में काम करता है? काम नहीं करता, डिप्लोमा स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट होके 30,000 की आरएक्स जी सही ठाट है बेटा। एक भारतीय बन के रहे सलाय पुलिस वाले की। मैं भी रोहतक से हूं, मेहनत की और देख आज आईपीएस हूं। तुम भी कुछ कर ले अपनी लाइफ का। चल भाई अरफान बोल। अरे मुझे क्या पता शंकर कहाँ है, तो काम बोल। एबी नेगेटिव 2 यूनिट, चल 2 घंटे दे मिल जाएगा। जुम्मा है बच्चा, बला दिख रही है तेरे सर पे, आज झाड़ा उतरवा ले। जाना बाबा। ओए संभल जा बच्चे। कत्ती रेयर ग्रुप ए बी नेगेटिव। शंकर को बोल कहाँ है वो। शंकर की क्यों बात कर रहे हो बाबूजी, डिमांड मैं लाया हूं। ओहो मार्केट में नई कंपनी आई है, संजय हमारा भी ख्याल रखना। तभी तो बैठा हूँ अपना पहला पर्सनल काम लेके।
अगर अरोड़ा की डिमांड पूरी कर दी, आगे कुएं खोदने पड़ जाएंगे खून के, तब भी पूरी ना होगी डिमांड। क्या मांगता है बच्चा? तू फिर आ गया ढूंगी। ओए, संभल जा। नहीं ऐसा नहीं बोलते, छोटा बाबा है, बदुआ ना दे दे। अभी बदुआ नहीं, ब्लड चाहिए बाबूजी, ब्लड। ब्लड ग्रुप तो बता दे पाला राम। ए भी नेगेटिव। अब जा बाबा। बाबूजी, बाबा का ब्लड ग्रुप टेस्ट करो जल्दी से। रे, मिल गया तेरा ये भी नेगेटिव। राम जी ने भेजा है बाबा को सच्ची। खोल, पूरा खोल ना। बाबा देगा? ब्लड? नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। 200 रुपया मिलेगा। ले ले बच्चा, तेरा ही खून है। रे, तो इतनी मारपीट की क्या जरूरत थी फिर? तू भी तो बोल सकता था कि 200 रुपया दूंगा। चल बाबा, 200 रुपए। ना राजेश, यहाँ ना, तो फिर तने पैसे चाहिए ना? चल चुपचाप लेट जा कब्र पे। चल दे दे। दे पैरे पे जाता हूँ, निकाल दूँ। चुप बाबा, कितना रोएगा? भगवान से डर बच्चा। आज तो भगवान है मेरा। जी, एक और यूनिट निकालना है। राजेश, मिथुनिया का केस अभी ठंडा ना हुआ है। पापा वैसे भी अंडर एज है, लुढ़क जाएगा। इसने तब क्या पाड़ो है, 100 साल से जवान है, कुछ ना होगा। देख ले, तेरी जिम्मेवारी। ठीक है। रे सुन, बाबा के तो हमने टेस्ट भी नहीं किए हैं। पहले तू जाके अपना बाबा से टेस्ट कराने पुष्पेंद्र, बाबा तंदुरुस्त है। तेरे बाबा ए भाई भाई, क्या कर रहे? सामने सामने क्या कर रहे? मैं कह रहा सामने सामने क्या कर रहे यार? मैं इसके सारे जान जान ले लूंगा। पुलिस में जा जा। हैं हैं बाबा तीर तेरे छूट के लेके। एक मिनट, इसको कैसे पता? अरे लीच की यार, मैंने भी एक बार इसे पास हूं। ये कसूती बीमारी भी ना जाने के कराएगी यार। खून देकर निकलूंगा। बाबू जी, दूसरा वाला भी पूरा होने वाला है। 400 रुपये हो गए, 2 बैग। चुप। फ्रूटी भी फ्रूटी, 400 रुपये के साथ ताकत भी मिलेगी। यो है भाई, मेरा भारत महान।
खून देता कब्र पे लेटा इंसान। राजेश राजेश बाबाशी रे बाबाशी। क्या कह रही है? बाबा रे बाबा। बाबा जी चल बाबा उठ। ये भी गिर गया कब से? बाबा लागे इसकी शुगर कम हो गई है। मैंने तो सोच लिया था जब इसकी आंख ना खुलती ना यहीं गाड़ जाता मैं इसको अंग्रेजों के साथ में। पियो तो आराम से। ये सही काम कर दिया तुम लोगों ने। बलविंदर सिंह को बहुत जरूरत थी खून की। आप डिमांड देते रहो सप्लाई आते रहेगी। वैसे आज शंकर का है? मुझे नहीं पता। वैसे पूनम घर पर सब बता चुकी थी, पता भी नहीं चला और मारी मंगनी का दिन आ गया। बलविंदर सिंह का नाम मैं आज भी नहीं भूल सकता। मेरी पहली पर्सनल डिमांड। मिठुनिया वाला केस भी ठंडा पड़ गया था और अस्पताल के बाहर से सीआईडी को उठा दिया गया। दुनिया वापस अपने ढर्रे पे आ रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मैंने सोचा मम्मी पापा को हरिद्वार घुमा ले आऊं। उन्होंने बहुत पापड़ बेले थे मेरे लिए, अब मेरी बारी थी। मम्मी पापा ने कभी ये नहीं पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए और ना मैंने कभी बताया। गरीब माँ बाप लक्ष्मी आने का स्रोत ना पूछते ये सोचकर कि कहीं लक्ष्मी रूठ ना जाए। मुझे लग रहा था कि मम्मी पापा को गंगा स्नान करवा के मैंने अपने लिए स्वर्ग पक्का कर लिया, लेकिन अभी जिंदगी बाकी थी। लाया डाक बाबू लाया रे संदेशवा, बोले पिया जी को के उड़े ले 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 में मगन खोएगा। सनी ला 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 ओ सनी के हो गया इधर? सब बाबा का आशीर्वाद है बच्चा, लेकिन अभी मैं टट्टी चला। एक मिनट, पुष्पिंदर हरनाम सब कहाँ है? फोन नहीं लग रहे किसी के। मेरे एंटी ने कहते हैं सब घर में दुबके हुए हैं, पुष्पेंद्र भी। बाबा को 10 रुपए दे सब मिल जाएंगे। आज तू रखी ले। राजेश राजेश अरे भेज दो उसको वापस, पूरी गली में सीआईडी लगी, भेज वापस भेज उसको। अरे भेज ना, अरे चल चल। क्या हुआ बाबूजी? भाई तू यहाँ क्यों आ गया बाबूजी? सब कुछ खत्म, कुछ ना बचा।
बताओ तो सही बाबू जी। नवजात शिशु का मुंडन हुए ना, समझ मेरा भी नया जन्म हुआ है। क्या बलविंदर याद है? ए बी नेगेटिव। हाँ मेरी पहली पर्सनल डिमांड। और वो अंडर एज तपस्वी। हाँ हाँ उसको अभी मिल के आ रहा हूँ उरोड़ा के बाहर। हैं साथ तो नहीं लाया कहीं उसे? ना बाबू जी ना, उसको 10 रुपया दे के भगा दिया मैंने। वो पैर भी छू लेता उसके। क्या पकड़े हो बाबू जी? अरे पक्का तो उस दिन था मैं कब्रिस्तान में। टेस्ट कर ले बाबा के, टेस्ट कर ले। वो बाबा नहीं है, चलती फिरती दुकान है HIV की। फिर के बलविंदर को बाबा का ब्लड चढ़ा, HIV हो गया बलविंदर को। डॉक्टर ने उसे बताया तो लटक गया वो अपने वार्ड के पंखे से, बिफर गए परिवार वाले, फोड़ दिया अरोड़ा नर्सिंग होम। पुलिस ने उठा लिया इरफान को, उसने मेरा नाम ना लेन के 10,000 मांगे तेरे 50। मैं सिर्फ 10 दे सकता, भतीजे की शादी थी। तेरा नाम दे दिया उसने गजराज को। मैंने कितनी बार फोन किया तुझे, तू था कहाँ? हरिद्वार गंगा स्नान करने। अरे सबसे बड़ा पाप तो यहीं छोड़ गया था करनाल में। ये मुझे देख, 10 साल बचे थे रिटायरमेंट के, सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। ये तू भाग सके तो भाग ले, वरन निकल गया तेरे। गजराज सिंह शिकारी कुत्ते की तरह तन्ने ढूंढ रहा है, समझा तू? देख ध्यान से जाइए। कमेंट नहीं है तू, टूटेगा। मेरे हाथ में लिखा है तेरा विनाश। वो तो समय बताएगा कौन किसको पालेगा। चल। हटे बस कदे हड्डी हट जाए। हेलो बस बेटा। राजेश हरनाम और इरफान ने तो बता दिया है कि तू ही सरगना है इस ब्लड रैकेट का, पर मुझे पता है ते औकात ना है तेरी, तू शरीफ आदमी है, अपने बाप को देख। है ना अंकल जी, आप रो मत, ऐसी औलाद के लिए मत रो। देख भाई राजेश, मुझे पता है
और तुझे पता है कि सरगना कोई और है। अगर सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होता तो तेरा नाम बोलता इंक्वायरी बंद करने के लिए, पर मुझे इस लाल दुकान को जड़ से मिटाना है। तो तू देख ले, दो दिन है तेरे पास, अच्छी तरह से ठोक सोच के मुझे अपने बॉस का नाम बता दे, फिर छोड़ दूंगा तुझे। अरे अभी नाम बता दे, यही के यही। नाना अंकल जी सोच लें, दो दो दिन दिए, लो अभी घर ले जाओ इसे। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारा कांड नहीं है। तुम्हारी कसम नहीं, शंकर ने फंसाया मुझे इस कांड में। तो फिर सोच क्या रहे हो, जाके दे दो नाम शंकर का गजराज को। ना, दोस्त है मेरा वो। शंकर किसी का दोस्त नहीं है। तो शुरू से बहुत घटिया लगता था, उसकी कुत्ते जैसी वो हंसी, और तुम भोले आ गए उसकी बातों में। तो अब क्या करूं? अरे भोले महाराज, शंकर का एंड्स करा दो। उल्टा मुझे तो ना फंसा देगा, बहुत जुगाड़ है उसके। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कहा तो है गजराज ने। तुम जाके बता रहे एसपी को कि मैं जाऊं? ना ना, मैं जाऊंगा। चल दिया नाम रोशन करण मेरा। हरनाम बोलिया तेने एसपी तो सौदा कर भाई, और क्या करता? इतना मत सोचा कर बेटे, एक फोन कर दिया ना मन्ने, तो गजराज का बाप भी ना बचा पाओ तुमने। भाई ऐसे मत कीजिए, भाई शादी होने वाली मेरी। जो राधा ने पाया श्याम में, जो सीता ने पाया राम में, मेरे जिसा न पावे गाम में, जब बांधूंगा मोड़। घूमड़ जा लगा कहाँ? मारी पहले दिन की घुमाई पूरी ना हुई, आज करते हैं तेरी घुमाई पूरी। अरे आजा आजा, महाराणी तेराणी तो थोड़ी छोटी है, पर भूलती नहीं कुछ, मिस करे तुम्हें। आजा भाई, बस एक गलती हो गई, पुष्पिंदर बाबूजी की बातों में आ गया भाई। बेटा सारे काम अच्छे या बुरे ईमानदारी से करने चाहिए। मतलब हरनाम ने तेरा नाम क्यों लिया, मेरा क्यों ना लिया? तूने पैसे दिए होंगे भाई। हरनाम एक टेस्टेड पीटी था, प्रोफेशनल डोनर। नरेश के सारे आदमियों का मैं खुद हर तीसरे हफ्ते टेस्ट कराया करता था। तूने कॉलर पकड़ना सीख लिया, ये गुरु मंत्र ना सीखा भाई।
कंजूस नहीं है क्या? बचा ले भाई, पूनम की शादी के चक्कर में सब कुछ गोबर कर दिया भाई, बचा ले शंकर, तेरे बहुत जुगाड़ है। मैं करना छोड़ दूंगा, पूनम को छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा भाई, कसम से प्लीज। नाम शंकर है पर भगवान नाम। खाना खाओ, घर की साथ दिया, भूख मांगी भाई। चल तो फिर। खुदा खुद को तुझसे मिलाने चला मैं, अपने दर्दों को कांधों पे लादे चला मैं, चला मैं चलो ना मेरे साथ, मैं खड़ा हूं तेरी राहों में। चला मैं खींच खींच के खुद को लो वापस, चला मैं चला मैं चलो ना तेरी चाह में, उठा ले मुझे बाहों में। तू या तो खुद से चला तू, भूलता है क्यों बंदे, मैं सब जानता हूं, ये जान तेरी है मेरी, ये रूह तेरी भी मेरी। तू गजराज दौरे गया ना, घना लंबा फसवा दूंगा, तेरे को बुझन वाला भी ना रहेगा, ना तेरा ना तेरे घर वाला का। तुम के करो भाई, भुगत पर मेरी शादी पूनम,
का टाइम हो गया। आज जितने तेने लेके गया था ना वो टेंट राशि के ब्याह का था। गजराज को नाम ना मिला वो, कल जाऊंगा। विष्णु, इरफान, हरनाम, सूरज, तू, मैं, सब बच गए, एकदम क्लीन। कैसे? शंकर ने बचा लिया सबने। यो देख, कल रात सरेंडर किया उसने गजराज के सामने, इसी शर्त पे कि तेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। और यूं भी लिखा है कि शंकर ने कबूल किया बलविंदर सिंह को खून उसने दिया बगैर टेस्ट के। ये पढ़ के तो यार ये कलेजा मेरा मुंह को आ गया। सारा कांड तो हमारा था। कितने कमीने हुए यार हम लोग। पर क्यों क्यों? मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तुम सब लोग अंदर जाओगे और मैं कुछ कर ना पाऊंगा, इसलिए अच्छा है कि एक आदमी अंदर चला जाए। यो ये देगा तेरे लिए, देख। कसम, जय मैं आशिक ना होता ना तो तू जेड़ में होता। और मत मार, ज्ञान दे के छोड़ दे, दो दिन में सरेंडर देता हूं। राशि को बुला के तूने मोटा उधार चढ़ा दिया उस दिन, गलती मेरी थी, चलो पर आज तेरा उधार उतार रहा हूं। काम छोड़ दे, करनाल छोड़ दे, पर पूनम ने मत छोड़ी, घना दुख हो गया। काल की रात बहुत थी तेरी आंख खोलन खातर, ये 5 साल तू बाहर रह के सजा काट, मैं ऐस करता हूं। ये क्या कर दिया मैंने? शक्कर का सामना कैसे करूं मैं? सही कहता है।
ठीक हो जाएगा। बधाई हो मिस्टर धीमण। छोरा है छोरी? छोरा लटकाड़ दिया भाई। घर तेरा है? काम के करा है? आइसक्रीम फैक्ट्री डाली है छोटी सी। जेड़ में गया और सुधर तू गया। आज सच में जलन हो रही है तेरे। तू मेरा ना आया जेड़ में? बस सजा काट रहा था भाई, मिलने आता तो तू सजा भी माफ करवा देता। सॉरी भी नहीं कह सकता ना भाई। छोरी दे तो मेरे पास के। वाह भाई वाह वाह वाह। ओहो गणा प्यारा बालक है। नाम क्या है अपना? शंकर धीमण। नाम तो रख दिया बेटे, कदे गुण मेरे वाले ना आ जावे। हैं? हैं? इसलिए तो रखा है। रहन दे। Man's not. है? मन्ने विदा बेटा इस जेल में खेच दिया मीटर अंग्रेजी का। बाय गॉड। डरे मिलेगा? शंकर कुछ मुक्ति से दे दे भाई। बलविंदर का छोरा डॉक्टर बनना चाह रहा है। मेरे भतोरे जितने थे मैंने डाल दिए उसके अकाउंट में। जितने तिरते बने तू डाल दे। ठीक भाई। क्या करी ना बात? काम छोड़ दिया? चाह छोड़ दी, सिगरेट भी, पर ये लाल रंग ना छोड़ता वरना। और नाम के साथ मिलके एनजीओ खोला है। अब फ्री में देता हूँ ब्लड, तू भी डोनेट करियो। हाँ, पर 3 महीने में एक बारी, ना तो थपते गिरेगा और फिर आओगा हमारे सपना में। हाँ, खून चूसने। जख्मों को भर लिया लाली, गैरों से मैंने छीनी अपनों को रंग लिया। ये लाल रंग रंग रहा है पीढ़ियों को, ये पल रहा है खून में
दिल से मैंने चुरा ली, हाथों को रंग लिया। चुरा